Good morning. Nice day out, huh? Anything unusual last night? It was very quiet, but I was hungry. There's not much left in the treehouse, so we're on our own. Here's a grill I found at the homestead this morning, and some ingredients as well. Use these for now. देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका फिर से एक बार इस जालिम दुनिया के अंदर। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है गेम्स विद वाइपर। तो पिछली एपिसोड में आपने देखा कि कैसे हम लोग एक कैंप को ज्वाइन करते हैं, उनकी मदद करते हैं, और वो लोग खुश होकर हमें रहने के लिए जगह देते हैं, एक यहाँ पर कैंप देते हैं बनाने के लिए। फिलहाल इसने मुझे कुछ खाना बनाने के आइटम को रखने को बोला है, तो मैं इसे थोड़ी सी सेफ जगह पर रखता हूँ ताकि बारिश में भी ये भीगे ना। तो बहुत खतरनाक दुनिया है ये, देखा जैसा कि आपने, बहुत गंदा वायरस यहाँ फैल गया है। We'll be able to cook at the homestead then. No need to go to the treehouse anymore. Hey, it's Nelson from the Redwood Outpost. How's the safe house coming along? I asked a few loggers to bring you some equipment. You might find it handy. कुछ आइटम हैं जो ये कन्या हमें देना चाहती है, हमारी मदद करना चाहती है, हेल्प करना चाहती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एकमात्र यही मोहतरमा है जो हमारे साथ साथ इस खतरनाक दुनिया में घूम रही है। We have to prepare our defenses. There should be a workbench in the crates the Redwoods delivered. We can make new weapons with it. अच्छा, तो अगर मैं खुद बना सकता हूँ वेपन तो बहुत बढ़िया होगा। तो अभी देखना यह है कि कैसे बना सकता हूँ। फिलहाल मुझे एक ऑटोमेटिक गन तो चाहिए ही। ऊपर क्या मैं बना सकता हूँ कुछ, मुझे लगता तो नहीं है, शायद बना भी सकता हूँ। तो अभी फिलहाल मुझे यहाँ पर एक और वर्क बेंच लगाना है, जिसके बाद कि मैं खुद अपनी गन्स वगैरह बना सकता हूँ। तो मैं इच्छा करता हूँ कि यहाँ पर ये वर्क बेंच लग जाए, ताकि मैं अपने हथियारों को बनाने के काम में अंजाम दे सकूं। लेकिन ये थोड़ा सा आगे हो जाए, पीछे लग जाए मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा जगह घेरोगे तो यार छोटी पड़ जाएगी जगह, फिर रहने में दिक्कत होगी। ऐसे यहाँ लगा देता हूँ, नहीं साइड में लगा देता हूँ इसके, ताकि ये अगल बगल में रहे। वो रिपेयरिंग का बेंच है और ये शायद क्राफ्टिंग का बेंच होगा। काफ़ी ऑनलाइन बंदों की गेम है, लेकिन ये ऑनलाइन किस तरह से काम करता है मुझे अभी इस बारे में कुछ नहीं पता। फिलहाल हम अपनी स्टोरी लाइन पर ध्यान देते हैं, और मैं स्टोरी लाइन पर ही ध्यान दूंगा। ज़्यादा मैं इस गेम के अंदर रसना भरना नहीं चाहता, क्योंकि हमें आपके लिए और भी नए नए गेम्स लाने होते हैं, आपको नए नए गेम से रूबरू करवाना होता है इसीलिए। तो अगर वीडियो को देख रहे हो अभी तक, यार क्यों भूल जाते हो तुम हर बार, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए करें। बोलना हमारा कर्तव्य है और सब्सक्राइब करना आपका, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पर अभी देख लीजिए, मुझे मिली है एक और नई ऑटोमेटिक गन, जिसे मैंने खुद अपने हाथों से क्राफ्ट किया है। तो देख लेते हैं कौन सी गन है। वैसे देखने में ये तो बैरल की जैसी लगती है, हाँ बैरल के जैसे लग रही है। फिलहाल चलो शहरी से बात करने, ये देखते हैं कि क्या कहना चाहती है ये सुंदर औरत। The clock is ticking. We need to make ammo for our new weapons. And I imagine you can use this. क्या बात है? Thanks, Sherry. You've been super helpful. बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पहले ही धन्यवाद कर चुका हूँ। तो अभी शेरी भी वही कह रही है जो कि मैंने कहा, कि जैसे कि गन बनाई है तो एमओ तो चाहिए ही होगी ना, अब खाली गन लेकर ज़ॉम्बीज को डराया तो जा नहीं सकता। I gotta go. अरे भैया फिर से ले लो, चलो भागो भागो। भाई साहब, हमारे रेडवुड में फिर से ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया है। हे भगवान, क्या आफत है ये, कैसी दुनिया है, इंसान खुलकर जी भी नहीं सकता। फिलहाल देखो हमारा घर कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि ये ट्री हाउस है। मैं पहुंच चुका हूं लगभग वही जगह है जहां पिछली बार हमला हुआ था, और हम चॉपर में बैठकर यहां पर आए थे। अभी देखते हैं कि क्या पंगा हो गया है। ओके, ओ ये क्या है,
अरे ऐसे अचानक से प्रकट मत करो मेरे सामने। ज़ॉम्बीज भरे पड़े हैं पूरे कैंप के अंदर, इनको मारना होगा वरना हमारे कैंप के सदस्य। ओह माय गॉड, पीछे से आ गए इतने लंबे ज़ॉम्बीज। अरे भगवान, क्या आफत कर दी है तुमने इंसानों के लिए खड़ी। मार भाई इसके खोपड़े में मार, हमारे बेकसूर जवानों को मार रहा है ये ज़ॉम्बी। ओके तो ओह ये रैक, ओके मर गए। फिलहाल यहाँ पर सफाई हो चुकी है, यहाँ का आगे मिशन देखते क्या है। ओह ये क्या था, हे भगवान कहीं कुछ खतरनाक ना हो। अरे ओह माय गॉड, ये क्या आइटम है, ये दानव कौन सा है, ये हवा के झोंके मार रहा है। ओह भगवान बचाना, हेल्प करो मेरी। लेकिन ऐसे क्रिएचर मैं नहीं जानता कि बन कैसे जाते हैं ज़ॉम्बी अपोकैलिप्स के अंदर। अगर ओ मरेगा नहीं, मरा नहीं ये। अरे नहीं नहीं नहीं, ओ वो 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 ओके फाइनली मरा भाई। बहुत खतरनाक क्रिएचर था ये, छुप कर रात में हमला करता है, रात में शिकार को फंसाता है। फिलहाल यहाँ पर बात कर लेते हैं निसोन से। Good thing you were here. No deaths or injuries at the outpost. But our defenses took a bad hit. भाई क्यों हर बार मुसीबत में पड़ते, समझ नहीं आता मुझे। We've got to rebuild the Redwood outpost. The Ravens will help, right? Of course. जरूर मदद करेंगे यार, ऐसी क्या बात कर रहे हो तुम। बची कुछ इंसानियत है, अगर इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा, ज़ॉम्बी। ज़रूर मदद करेंगे क्योंकि बहुत यहाँ पर लोग घायल हो चुके हैं ज़ॉम्बीज के अटैक के कारण, बहुत सप्लाई इनकी ख़राब हो चुकी है। तो ये अब रेडवुड वाले हमसे मदद चाहते हैं, रेडवुड वाले, रेडवुड वालों से ही मदद चाहते हैं। ओके तो ये कहना चाहता है कि यहाँ पर सिर्फ जानवर और ज़ॉम्बीज से ही खतरा नहीं, तो क्या हो सकता है ऐसा जिससे कि हमें खतरा हो सकता है। You were a true friend and always will be. जरूर करेंगे मदद, जैसा कि मैंने पहले बोला है, बार-बार कहने की आवश्यकता नहीं है। We were grateful for the Ravens' aid. That was a bad time for us, but they came through. You won't find a better ally than the Redwoods. जी जी मैं बात करूंगा, जरूर मैं बात करता हूं अपने कैप्टन से जाकर के कि वो आपकी मदद करे, और मुझे पूर्ण यकीन है, पूर्णता यकीन है कि वो आपकी अवश्य मदद करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अभी अपने कैंप की तरफ, यहाँ से बस लेनी होगी शायद, ताकि मैं अपने जल्दी से हमारे कैंप का नाम क्या था मैं भूल गया यार, हाँ रेवेंस शेल्टर, वहाँ पर जा सकूँ, अपनी बस ले लेते हैं ताकि केन से बात कर सकूँ और इन बेचारों की, रेडवुड वालों की मदद कर सके हम लोग। तो यहीं पर मुझे केन मिलेगा, चलो जल्दी से चलते हैं और बात करते हैं उनसे कि क्या कहते हैं ये। दुनिया में बहुत दुख भरा पड़ा है, हम एक दूसरे का साथ देंगे तो बहुत अच्छी बात है। Welcome back. The Ravens will do everything we can to help the Redwoods get through this. But in the meantime, हमारे जो लीडर है बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ हैं। क्या बात है, दिल खुश हुआ मेरे इनकी बातें सुनकर। लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें भी किसी तरह की मदद चाहिए, हमसे जरूर करेंगे यार, आपके साथ हैं मरते दम तक, क्योंकि जाना कहाँ है, रहना तो यही है, आप ही की मदद करेंगे और कहाँ जाएंगे। Things are still rough at Redwood Outpost, so Sherry and Dr. Michael will stay there for a while and treat the wounded. तो इन्होंने पहले से ही हमारे डॉक्टर्स को वहां भेज दिया है। No problem. I'll get down there as soon as I can. वहां पर पहले ही भेज दिया है कुछ लोगों को, शेरी भी वहीं पर है, हमारे डॉक्टर माइकल भी वहीं पर हैं, घायलों का इलाज कर रहे हैं। लाल मुझे भी वहीं पर चलना चाहिए, अभी देखता हूं। यहां पर कुछ दिखा रहा है, मैं परखाने के लिए कुछ दिखा रहा है, देख रहे हो, ये शायद से बेरीज होंगे, मैं ले लेता हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इस गेम के अंदर, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि खाने पीने का बहुत ज़रूरत होगी। और ज़ॉम्बीज खुले में घूम रहे हैं यहाँ पर, ये पौधा है, यहाँ पर फल होंगे, कुछ और अन्य फल आगे पीछे होंगे, काफ़ी सारी आइटम्स यहाँ पर। ओ मैं भूल गया यार, इसको भी मुझे डाउनलोड करना होगा, तभी मैं पूरा मैप एक्सेस कर पाऊँगा। कोई बात नहीं, जल्दी करेंगे, डाटा की कमी रहती है, आपको पता है कितना होता है फोन में डाटा।
तो चलिए एक और मैंने बेरीज को कलेक्ट कर लिया है। अभी फिलहाल क्या करता हूँ कि पानी भर लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो नदी कितनी प्यारी लग रही है। यहाँ एक और पौधा है, क्या है ये? वेजिटेबल्स का है शायद। ओ लीफ मिली है शायद, पत्ता मिला मुझे, पत्ता गोभी होगी। यहाँ से भी पानी भर लेता हूँ ताकि आगे जाकर दिक्कत ना आए। मेरे पास एक बोतल है तो उस बोतल में मैं पानी भर लेता हूँ। ओ ऐसे ले नहीं पा रहा मैं, क्या हुआ? अच्छा भरी होगी शायद से बोतल, पहले मुझे इसमें से पी लेना चाहिए, उसके बाद मैं ये पानी भर पाऊँगा। नहीं ऐसे ही भर लूँगा शायद, मैं गलत दबा रहा था, वो खाली थी। ओके साफ साफ पानी है, नदी का पीने का पानी है, तो इसीलिए यहाँ से पानी मैंने भर लिया अपनी बोतल में। फिलहाल आगे, ओ रात हो गई है और ज़ॉम्बीज बहुत ज़्यादा निकलते हैं रात के वक्त, आपको पता ही होगा। ये कौन है? यहाँ छोटा सा एक और कैंप है, जितने ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं बहुत खतरनाक क्रीचर्स घूम रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई परवाह ही नहीं। यहाँ एक टूल बॉक्स है। काफ़ी अच्छी आइटम्स मिल रही हैं, देख रहे हो इन इंसानों को किसी का डर नहीं है, ये खुले में घूम रहे हैं और ज़ॉम्बीज भी बिना वजह हमारे रेडवुड पर हमला कर रहे हैं। ये बाहर बैठे हैं, इनको खा लो भाई, जो दिमाग तुम्हारा ख़राब हो रखा है क्या? यहाँ पर बैठे हैं, रात का वक्त है, बिल्कुल सुनसान दिख रहा है, अंधेरा पास ही में है, वो सामने दिख रहा है। मुझे टावर के पास जाना है शायद से, हाँ सिग्नल टावर है। ओ ये अबे भैंस की टेंट, अरे भैया क्या बोला मैंने, तेरा सूअर का बच्चा मेरे पीछे पड़ गया। रुक भर तेरी ऐसी कैसी, मैं सेट लेके घूम रहा भाई शुरुआत से ही मैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मीट मिला है, मांस मिला है, मैं बहुत पास आ चुका हूँ इस व्यक्ति के, तो इसी ने मुझे बुलाया है यहाँ पर, क्योंकि ये खड़ा है, ये कहना क्या चाहता है मैं सुन लेता हूँ एक बार। कुछ और आगे पीछे है तो नहीं देखने लायक, चलिए बात करते हैं इससे, क्या है ये सिग्नल टावर नाम का व्यक्ति। Vaut, what are you doing here? Good to see you again, chum. Oh, great timing too. I want to get a box from the tower, but I'm terribly afraid of heights. Would you mind helping a chum out? तो इसका कहना है कि इसका कोई डब्बा वब्बा ऊपर पड़ा हुआ है, टावर के ऊपर पड़ा है, और वो उठाकर लाना है, लेकिन इसे ऊंचाई से डर लगता है। कोई बात नहीं मेरे भाई। How are you able to contact me? The signal tower is still down. We've enhanced the signal. You're equipped with. बिजली पड़ी मेरे ऊपर है ना, मुझे लगा ही था। So we might be able to stay in contact even when the. नीचे वाला निपट लोगेगा? कहीं शहीद हो गया हो बेचारा। This is great, Sherry. I've arrived at the first signal tower. Those towers are important to us, but so are you. Please stay safe. Hello, Sherry? Do you copy? Why do comms always die when you need them most? सच में बहुत ज़्यादा ऊंचाई है, वो सही में डर रहा था वो। अगर मैं होता उसकी जगह तो मेरी भी फटती। ओके पहुंच चुका हूँ लगभग। तो वहाँ पर दिखा रहा है शायद ये रहा एक चीज़, तो मुझे इसको भी ठीक करना है। ये ब्रोकन सिग्नल टावर है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा क्योंकि सिग्नल में भी बहुत दिक्कत आ रही है जैसा कि हमें बताया गया है अभी। तो फिलहाल रिपेयर कर देता हूँ। ओके तो काम करना शुरू हो गया है अभी ये टावर, सिग्नल्स आप देख सकते हैं कि कनेक्टिंग हो रही है सभी के साथ। खराबी आ जाती है यार, मनुष्य ही तो ठीक करेगा इस सब को जो इसने कारनामे कर रखे हैं, दूसरा कौन करेगा। तो यहाँ का एक टावर ठीक हो चुका है, मुझे लगता है लगभग चार टावर और हैं, तीन टावर और हैं जो कि खराब हैं। अभी ऊपर जाना है मैं उस बंदे के लिए, वो डब्बा भी तो देखना है कहाँ रखा है। ओ ये रहा सामने। ओके तो यही है उसका सप्लाई क्रेट, देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। चलो खोलता हूँ, मेरे लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए भाई, इतनी मेहनत करके ऊपर आया हूँ, डर तो मुझे भी लगता है ऊंचाई से। I prefer exploration tokens over parts. काफी अच्छी आइटम मिल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा कि ये सभी किस काम में आने वाली हैं। और यहाँ पर हमारी रेडवुड फॉरेस्ट एक्सप्लोरेशन लेवल अपग्रेड, ओके लेवल 2 पे आ चुका लगभग। हम लोग सिर्फ स्टोरी मोड ही खेलने वाले हैं, कोशिश करूँगा स्टोरी मोड खेलने की,
फिलहाल धीरे धीरे पता चलेगा कि कैसी गेम है। नई गेम है, बहुत अच्छा लग रहा है इस गेम को खेलकर। अगर आपको भी देखकर मज़ा आ रहा है तो भाई लोग सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार। ऐसी गेम्स अगर लॉन्च होने लगी एंड्रॉयड पर भाई तो बहुत धमाका हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी गेम पहले हमने कभी देखी है जैसे इसके ग्राफिक हैं। और लाइफ आफ्टर नाम की एक गेम थी जिसकी शायद ये कॉपी है, वो सेम इसी तरह की है लेकिन उससे ये कुछ ज़्यादा बेटर है। तो चलो नीचे चलते हैं अभी, बस अब ऐसे ही उतरूंगा तो भाई बहुत समय लग जाएगा ना, अभी क्या कर सकता हूँ मैं भाई। धीरे धीरे उतरेगा, धीरे धीरे चढ़ेगा, बहुत लंबा समय लगेगा। चल फिर, ओ फिसल गया, अच्छा ये भी ठीक है, इसी की बात कर रहा था मैं, मेरे दिमाग में यही था। ओके ले भाई तेरा काम हो गया। My word, good chum, you're like lightning. If I recall correctly, there's an exploration token in your box. That's a pretty cool thing to have. Collect exploration tokens to exchange for some handy items at the marketplace. ओके भाई लोग तेरा काम हो गया। और अभी यहाँ पर देख सकते हो सर्वाइवल किट जो अनलॉक हो चुकी है कि क्या हमें कहाँ से मिलेगा, सब कुछ बता रहा है। मांस कहाँ से मिलेगा, सब्जियाँ कहाँ से मिलेगी, लकड़ी कहाँ से मिलेगा, पत्थर और लोहा कहाँ से मिलेगा। ओके तो अभी बारी है हमारी एक्सप्लोर करने की। जैसा कि देख सकते हो मेन मिशन में हमारे पास यहाँ पर आएंगे काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे इकट्ठी करनी पड़ेगी। पहले इसको निपटाता हूँ भाई, क्षमा करिएगा गुरुदेव, पाप कर रहा हूँ, पापी बनना पड़ रहा है, था नहीं मैं, बनना पड़ रहा है मुझे। ओके तो कुछ मुझे यहाँ से पत्थर वगैरह ढूंढने हैं, आयरन ढूंढना है, 5 यहाँ दिखा मुझे, छोटा सा पत्थर है तो इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि यही टूटेगा। तो आयरन चाहिए मुझे 5 लगभग, और 5 ट्री चाहिए बढ़िया से, क्या कि सेडर पार्क। ओके ये कितना बड़ा पेड़ है भाई। ओके इसके अंदर कुछ है, कुछ चांसेस होते हैं, ज़्यादा ऐसा नहीं कि मिलेगा ही मिलेगा। ओहो एक तो मिला। ये सभी आइटम हमें कहाँ मिलेंगी ये अभी फ़िलहाल हमें बता रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। ज़ॉम्बी एपोकलिप्स तो अभी सब शुरू ही हुआ। यहाँ क्या है, मिस्टरीज ड्रॉप। ओह भाई पेड़ के नीचे किसी ने ये बक्सा दबा रखा है, क्या है यहाँ पर। कुछ मैकेनिकल पार्ट्स मिले मुझे, आर्मर प्लेट, शायद ये आर्मर को बढ़ावा देने के लिए शायद ऐसा हो, क्योंकि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स अभी शुरू हुआ है, बहुत लंबा चलने वाला है। कहानी क्या होने वाली है पता चलता जाएगा, कहाँ जाना है हमें, कैसे सरवाइव करना है हमें ऐसी दुनिया के अंदर। एक और यहाँ पर है, पेड़ पौधों से भी बहुत कुछ मिलता है आज को, यहीं पर जानने को मिलेगा। ओके ये कुछ है नहीं है। ओह ये क्या है, पास ही में एक बंकर है शायद, लगा तो ऐसा ही था मुझे, है तो बंकर ही, बेसमेंट है। ओके नीचे आ गया भाई, ये मुझे सेफ लग रहा है। कुछ ऐसी जगहें मैंने तो कभी नहीं देखी यार, क्या आपने कभी देखा है ऐसा कोई बंकर, क्या किसी बंकर के अंदर आप गए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई। मैं तो कभी नहीं गया लेकिन मुझे ऐसी चीज़ों से डर भी बहुत लगता है, ना जाने क्यों अंदर ही अंदर घोटन होती है। Wonderful. These will replenish my stock of bandages. I'd prefer exploration tokens over bandages. क्योंकि ज़मीन के नीचे मुर्दों की तरह रहना मुझे बहुत घुटन महसूस होती है ये सोच कर ही। बिलाल कभी गया तो नहीं हूँ, मैं जाना भी नहीं चाहता। ज़मीन के नीचे रहो, क्या पता कब क्या हो जाए और आप नीचे ही मुर्दा बन के पड़े रहोगे। फिलहाल मुझे कुछ मिल नहीं रहा यार, काफ़ी पेड़ मैं काट चुका हूँ, बहुत ज़्यादा पाप कर चुका हूँ, मुझे करते ही रहना पड़ेगा। वुड मिल रही है, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों। जितने हो सके ये पेड़ कटवाने की कोशिश कर रहे हैं मुझसे, ताकि मेरे खिलाफ़ कोर्ट केस दर्ज हो सके और मैं जेल में जा सकूँ, सरकार मेरे खिलाफ़ एक्शन ले सके। ओके कुछ मिला, हाँ लगा तो ऐसा ही। देख रहे हो ये छोटे छोटे से कैंप बना करके बैठे हुए लोग, इनको कोई डर नहीं है किसी चीज़ का। ये पास में ये सो रहा है या मर गया, लगता तो ऐसे ही कि मरा हुआ बेचारा, हिल ही नहीं रहा। पाप किसी और ने किया और हाथ किसी और ने साफ किया। एक और है यहाँ पर, ये रहा, इनसे कुछ मिलेगा शायद। हाइड लेनी है अभी मुझे, हाँ 2 मिली है, बीट मिला है, 2 हाइड मिली है।
एनिमल टूथ, दांत भी उनके काम में आते हैं ना। ओ ज़ॉम्बीज महाशय तो यहाँ पर है। इस कैंप के अंदर क्या है, क्या यहाँ भी कोई बक्सा बक्सा मिलेगा क्या मुझे, मैं देखता हूँ एक बार यहाँ मिल जाए कुछ। देख रहे हो भाई बारिश हो गई है यार, अभी मैं भीगूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, कहीं छुपने की जगह ढूंढ लूँ। ओके तो अभी यार हगना मूतना भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि खाओगे तो निकालना भी ज़रूरी है ना, खाते जाओगे कहाँ रखोगे सब कुछ। ओके ये सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया। हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है, बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है भाई, गर्मी सर्दी धूप सब का असर होता है आपके शरीर पर इस गेम के अंदर, जैसे कि आपको रियल लाइफ के अंदर होता है। ये क्या है, मारना भाई इसको, मेरे से अटक गया, घुस रहा धरती में, नहीं मरेगा तो इसके पिछवाड़े पे मारा। भाग गया, कहाँ गया, रुक जा भाई, मैं ज़्यादा कत्ल करना नहीं चाहता लेकिन मिशन है कम्प्लीट तो करना ही पड़ेगा। ये मरते नहीं है, मैं अपनी शॉर्ट गन को ट्राई करता हूँ, एक ही छापड़ में ये तो ले डूबेगी, देख रहे हो इसकी आवाज़ बिल्कुल एक डॉगी की जैसी बना रखी है मरने की। सामने है ज़ॉम्बी, कहाँ गए वो, एक और ये कोई भाग रहा है। अच्छा ऑनलाइन बंदे सभी अपने अपने मिशन करने में लगे हुए, हमें किसी से शायद अभी तक तो डरने की ज़रूरत नहीं है, शायद आगे लेवल अप होने के बाद हम लोगों को आपस में भी लड़ना पड़े। ओके ज़ॉम्बी है यहाँ पर, ओ अब हैं इसकी टेंट, ये तो बॉलर है, बॉलर ज़ॉम्बी है ये तो। अब आप बॉम्ब क्यों फेंक दिया, मैं काहे बॉम्ब फेंक दिया तुमने, वो फट गया, वेस्ट हो गया यार। यस मैंने सोचा इसे भी ट्राई कर लेता हूँ, लेकर तो घूम रहा लेकिन वन शॉट किल है भाई, बहुत अच्छा डैमेज है इसका भी। फिलहाल ये मैं ज़रूरत पड़ने पर ही यूज़ करूँगा, जल्दी ऐसे यूज़ नहीं करने वाला। तो मेरे मिशन कंप्लीट हो चुके हैं, अभी मुझे देखना कि आगे क्या है, कहाँ पर जाना है मुझे, कौन से मिशन को कंप्लीट करना है, किन लोगों से मिलना है, किन को बचाना है, किन से बचना है, किन को मारना है, जानेंगे सब अब इसी एपिसोड में। चलो बढ़ते चलते हैं, बहुत दूर जाना है, भागते हुए जाना पड़ेगा यार, कोई बस स्टॉप ही नहीं दिख रहा। अरे मैं बाइक देख रहा हूँ, लोग बाइक चला रहे हैं, मैं कैसे लूँगा बाइक। अरे ये नीचे है ना ऑप्शन, अरे यार यहाँ से मैं बाइक मंगवा सकता हूँ शायद से अपनी, तभी तो मैं बोलूँ इतना दूर भाग के जाऊँगा तो बहुत देर हो जाएगी, पूरा का पूरा इसको डेज गॉन बनाने की कोशिश की गई है गेम को, बहुत अच्छी लग रही है गेम। आवाज़ देख रहे हो ये, जैसे वो पुरानी मारुति क्या कहते हैं यामा का वो आता है ना, यामा मोटरसाइकिल है सुजुकी का, मारुति सुजुकी का यामा मोटरसाइकिल, उसकी जैसी आवाज़ है भाई अगर सुनी हो किसी ने। ओके बिल्कुल पास ही में है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, करना क्या चाहते हो तुम लोग, कहाँ लेकर जा रहे हो जंगल में मुझे अकेले को। फिलहाल मुझे नदी के पास आ गए, शायद से जो हम कर चुके हैं हमें दोबारा करवाने वाले हैं, क्योंकि ट्यूटोरियल वगैरह चल रहे हैं ना, कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी, और भी पानी भरना सिखाएगा, मुझे समझ गया। चलो फिर मिशन है तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा ना। अरे ये क्या हुआ, नेटवर्क का भी इशू रहेगा मुझे लग रहा है, ऐसा फिशिंग फिश करना है, ओ नहीं हुआ तो नहीं है, पहले वाटर भरना है भाई, ठीक है नहीं भरेगा भाई, अभी तो भर के लाया ना मैं, अब तो पहले पी लेते हैं, ठीक है थोड़ा सी प्यास लगी भी है और हंगर भी अभी देख रहे हो बहुत कम हो चुका है, हेल्थ भी अभी पूरी तरह से अच्छी नहीं है मेरी, हेल्थ भी बढ़ानी पड़ेगी। चलो पानी भरो फिर चलते हैं यहाँ से, आगे बढ़ना होगा। कहाँ घूम रहा हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन दुनिया बहुत अच्छी है, सिर्फ दिखने में अच्छी है लेकिन इसके कारनामे बहुत भयानक हैं, बहुत दंडनीय है, बहुत ही दुखदाय हैं। यहाँ पर कुछ छतरी वगैरह है जिसे मशरूम कहते हैं, खुम्ब भी कहते हैं, हमारी तरफ कहते हैं भाई, आपकी तरफ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आप ही को पता होगा, लेकिन मैंने बता दिया। तो फिलहाल पास ही में एक बेस है, वहाँ पर जाना है मुझे, रात हो चुकी है, ज़ॉम्बीज़ का ख़तरा है, लेकिन जाने का मन नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ कुछ दिखा था पीछे, ये रहा, इसको देख लेता हूँ क्या इसका। ओह काफ़ी अच्छा सामान यहाँ से भी मिला, तो भाई कहाँ पर क्या कुछ छुपा रखा हो जानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैप देखते रहना पड़ेगा आपको, अभी मिशन की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले कुछ
हेल्थ वगैरह लगा लो, जीने के कुछ तरीकों को, तौर तरीकों को सीख लेते हैं ताकि आगे जाकर हमारे काम आए। तो ये तो मुझे मेरे ही घर जैसा लग रहा है। ओह माय, ये तो मेरा ही घर है। अच्छा, तो अभी मुझे इसे अपग्रेड भी करना पड़ेगा। वाइपर गेम का ये घर है तो लकड़ी और पत्थर ही मांग रहा है फिलहाल, तो अगर आगे जाकर देखते हैं क्या मांगता है। घर भी अपग्रेड करेंगे लेकिन पहले कुछ समझ लेते हैं इस दुनिया के बारे में। क्या जालिम दुनिया है ये, जीने देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है जो मेरे दिल में आता है। लेकिन यहाँ पर खाना बनाने के लिए रखी हुई है मशीन, अपना कुछ खाना खाना वाना बना लेते हैं क्योंकि हंगर भी थोड़ा सा कम है। और हर पीठ पूजा करेंगे, आज की रात सोएंगे यहाँ पर, कल देखेंगे कि कहाँ जाना है। खा पी कर सो जाओ, सोना भी बहुत ज़रूरी है इस गेम में, बहुत रियलिस्टिक है जैसा कि आप समझ सकते हैं कि खाना पीना हगना मूतना और सोना भी ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मज़ा आया है तो लाइक करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलता हूँ कल किसी और नई वीडियो के अंदर, और अभी फ़िलहाल हमारे करेक्टर को भी यहीं पर सुला देते हैं ताकि ये भी बेचारी चैन से सो पाए और इसकी हेल्थ फिर से वापस आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही, बाय बाय। Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to be.